बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा दिए गए भूमिहार को लेकर बयान पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। जहां इस बयान को लेकर जदयू में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बयान को लेकर कहा कि मंत्री पद पर रहकर इस तरह का बयान देना काफी दुखद है, उनके सामने माफी मांगनी होगी और बयान को वापस लेना होगा, नहीं तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री अशोक चौधरी का क्लास लें। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना के भीटा का अमहारा गांव पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले मां वनदेवी मंदिर में पूजा अर्चना किया, उसके बाद अमहारा गांव पहुंचकर जनसंवाद में भाग भी लिया और लोगों की समस्या को लेकर बातचीत भी किया। साथ ही प्रदेश में शुरू हुए जमीन सर्वे को लेकर भी आरसीपी सिंह ने आ रहे समस्या को लेकर किसानों से बातचीत भी किया। लगातार अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू में घमासान मचा हुआ, क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी उचित है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो पिछले समझिए करीब करीब 19 वर्षों से बिहार में इस दायित्व का निर्वहन कर, उनके शासन की पहचान क्या है? समावेशी विकास, समावेशी समाज, सामाजिक सद्भाव का ताना बुना उन्हें है, वो समाज में सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे में उनके मंत्री इस प्रकार के व्यक्तित्व बयान देते होंगे पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है, तो उनके नेता नीतीश बाबू की आज तक की जो कमाई है उसको तो निस्नाबूत कर देगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द का निर्माण हुआ है, इसलिए लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा चौधरी जी से, अशोक चौधरी से, भाई जो आपने बयान दिया है ये दुखद है, आपको इस बयान को वापस लेना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, और अगर ये नहीं करते हैं तो नीतीश बाबू को इनको बुला करके क्लास लेना चाहिए। श्याम जी आज फिर से जेडीयू में शामिल होने जा रहे, किस तरह से देख रहे हैं? हम क्या कहें, जाने श्याम जी, जाने जनता दल, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। नहीं, पहले पहले जेडीयू छोड़ के फिर उस पर मैं क्या करूं?